पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के मोकिमपुर गांव में ग्रामीणों ने सोना लूट कर भाग रहे तीन अपराधियों में से एक अपराधी को पीट पीट कर मार डाला, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। दरअसल नौबतपुर थाना के करंजा गांव के बधार में तीन मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने सोना का कारोबार करने वाले व्यवसायी से 3 लाख रुपए की सोना की लूट कर फरार होने की कोशिश की। तभी ग्रामीणों ने दो को धर दबोचा जबकि एक किसी तरह भाग गया और थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने इस घटना की पुष्टि की है। चला था कि एक दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से कुछ दो तीन अपराध कर्मी के द्वारा कुछ गहना लेकर जा रहा था, उसको छीन कर भाग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा उसका पीछा किया गया, पीछा करने के उपरांत उसके द्वारा गहना फेंक दिया गया और गहना फेंकने के उपरांत उसके द्वारा फायरिंग किया गया है। फायरिंग के आलोक में ग्रामीण के द्वारा आक्रोशित हो गया और उसको पकड़ के पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति वहाँ जख्मी है। राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी थाना क्षेत्र के केलहू चेक मोहल्ले में एक अविवाहिता का शव पंखे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवती की 1 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। युवती के मायके वालों ने बताया कि दहेज नहीं मिलने के कारण उसके साथ मारपीट की जाती थी। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया। महिला के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले को गंभीरता के साथ जांच कर रही है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के समीप स्टेट हाईवे 78 पर अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया, जिसे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों रिश्ते में नानी और नाती बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुधा देवी अपने नाती सुभाष कुमार के साथ चेरो वृंदावन से अपने रिश्तेदार के यहाँ चैती छठ पूजा को लेकर जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को ठोकर मार दिया, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रावी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ये मेरी मम्मी थी, वृंदावन गांव से दुनियार गांव जा रही थी, दुनिया भी कहा, और ये बाइक से जा रहे थे, है ना। एक और था लड़का, और एक सुभाष भगना था मेरा, उसी का मुन्ना था, उसका भतीजा का, उसी में छठ पूजा था का बर्थ था।